बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड में एक बार फिर से एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। सिमरी प्रखंड के प्रमुख ने सिमरी प्रखंड के वीडियो पर गलत नजर से देखने का आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 6 अक्टूबर को सिमरी प्रखंड में अपने पति प्रतिनिधि नीरज पाठक के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में बैठकर विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा कर रही थी। इसी दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्हें गंदे नज़र से बार बार घूर रहे थे एवं बदतमीजी कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर पति नीरज पाठक ने जब कहा तो उन पे आग बबूला हो गए। प्रखंड प्रमुख का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्व में भी उन्हें गलत नीयत से देख रहे थे। इस घिनौने करतूत के खिलाफ जब स्थानीय थाने में प्राथमिक दर्ज कराने पहुंची तो विकास पदाधिकारी के खिलाफ थाना पुलिस मामले को दर्ज करने में इनकार कर दिया, जबकि मामले दर्ज करने के लिए 2 बजे तक वो रात में वहां थाने पर बैठी रही, लेकिन मामले दर्ज नहीं किए गए। थाना पुलिस के कहना था कि यह एसपी के आदेश पर ही मामला दर्ज किया जाएगा। हार थक कर वह मीडिया का सहारा ली और अपनी बीती बात सुनाई। हमारे मैं ब्लॉक प्रमुख प्रियंका पाठक सेमी ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के वीडियो सुशील सुनील कुमार गुप्त गौतम ने मेरे संग गलत व्यवहार किया है और मेरे हमें गलत निगाहों से देखा भी, जिसका मैं विरोध की। उन्होंने साफ मुझे कहा कि उन्होंने गाली भी दिया, साफ मुझे कहा कि अगर तुम कुछ करोगे तो मैं पति को मैं फंसा दूंगा। तो मैं इतनी रात को आई हूँ और यहाँ के थाना प्रभारी मेरा केस नहीं ले रहे हैं, तो मैं अगर नहीं लेंगे तो मैं रात भर यहीं रहूँगी। आपने इसकी शिकायत भी कहीं की है? जी, थाना प्रभारी को, एसपी को, बक्सर एसपी। उन्होंने कहा, मैंने फोन पे बोला तो उन्होंने बोला कि जी मैं फोन कर रहा हूँ। तो एफआईआर आपका लिया गया या नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका पाठक, सिमरी ब्लॉक प्रमुख। मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, प्रदेश महासचिव लोकतांत्रिक जनता दल बिहार की तरफ से पूरे बिहार वासियों को दशहरा दीपावली पर हार्दिक शुभकामना है। साथ ही बक्सर जिला के हर नागरिकों को भी मुबारकबाद है और सौहार्द वातावरण में दुर्गा पूजा में दीपावली में अमन चैन स्थापित करने के लिए मैं अपील करता हूँ। दशहरा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से लोकतांत्रिक जनता दल के व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष के तरफ से, बनियान सिंह यादव के तरफ से जिलावासियों को शुभकामनाएं और स्वागत।